दोस्तों अब तो फ्री डिश ने सबके होश ही उड़ा दिए। स्टार स्पोर्ट 2, स्टार स्पोर्ट 1 और सोनी पल उसके साथ में और भी चैनल्स को कर दिया है फ्री। ये देख सकते हैं हिस्ट्री, ये चैनल बंद है, देख सकते हैं आप लोग। और भी बहुत सारे चैनल यहाँ पे बंद हैं, लेकिन जो चल रहा है उसी को दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और यहाँ पे आप लोग गौर कीजिएगा वीडियो को पुश करके कि स्टार स्पोर्ट का जो लोगो है उसके नीचे लिखा हुआ है कि आईपीएल 6 बजे से शुरू होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि MPEG2 रिसीवर में विथ प्रूफ के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टार स्पोर्ट 1, 2 और सोनी पल। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा MPEG2 रिसीवर में कैसे आप इसे ऐड करें। स्टार स्पोर्ट 1 आपका चल रहा है, ये देख सकते हैं, सोनी पल भी आपका चल रहा है, देख सकते हैं दोस्तों। सोनी पल को एकदम क्लियर तौर पर आपकी आँखों के सामने दिख रहा है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी भी दिख रही है। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना है तभी आप समझ पाएंगे इस वीडियो की पूरी कहानी। जी हाँ दोस्तों, कि कैसे आप इन चैनलों को सेट करें बिल्कुल फ्री में। देख सकते हैं सोनी पल चल रहा है। हाँ, जिनके पास पैसे वाली छतरी लगी है वो इस प्रोग्राम को कुछ ही देर पहले देखे होंगे वो लोग, यानी कि इस वीडियो के पब्लिश होने से पहले। तो दोस्तों देख सकते हो सोनी पल चल रहा है, लेकिन दोस्तों इन चैनलों को कैसे लाएं। तो दोस्तों थोड़ी टेढ़ी खीर है लेकिन ये चाहिए। तो चलो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं पल चल रहा है मेरे पास, ये देखिए आप लोग, सोनी 6 और ये तमाम जो चैनल्स हैं कुछ बंद हैं। अब ये जो फ्री वाले चैनल हैं ये चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों कैसे इन चैनलों को चालू करना है पूरी डिटेल आज आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा। देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, ये फ्रिक्वेंसी है, इस फ्रिक्वेंसी को आप लोग नोट भी कर सकते हो, बहुत सारी बातें हैं। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको 100 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करते ही आपको मिल सकता है एक MPEG4 सेटअप बॉक्स। शर्त यह है कि आपको कॉमेंट करना होगा हमारी किसी भी वीडियो पर जाके। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग प्रोग्राम सेटअप में और उसके बाद से सिस्टम सेटअप में, एडिट प्रोग्राम में ऑल चैनल हम कर देते हैं डिलीट। ध्यान रहे एडिट प्रोग्राम में जाना है, थोड़ा सा OSD मुझे नहीं, पहले ये रेडियो चैनल्स भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देख सकते हैं रेडियो चैनल्स भी हो चुके हैं डिलीट। अब आ जाएंगे TV चैनल्स में दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों सिस्टम सेटअप में हम क्या करते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं आप लोग, डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देंगे यहाँ पे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू करते ही दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हमारे स्क्रीन पे, यानी हमारी इस वीडियो पे, ये देखिए धुंधली हो गई वीडियो। अब इसे क्या करेंगे, OSD में आके यहाँ से क्लियर कर देंगे, 0% यहाँ से कर देंगे, फिर नॉर्मल हमारी डिस्प्ले हो जाएगी। अब ये चैनल्स देख सकते हैं दोस्तों, ये चैनल्स तो इस सेटअप बॉक्स के प्रोग्राम हैं। इन्हें हम डिलीट करने से पहले थोड़ा छोटा सा काम हम करेंगे यहाँ पे, सॉफ्टवेयर अपग्रेड। अब दोस्तों कहोगे अरे यार ये तो सॉफ्टवेयर अपग्रेड हर वीडियो में दिखाते हो, लेकिन नहीं दोस्तों, वीडियो को आप स्किप भी करके देख सकते हो और लास्ट तक भी देख सकते हो आराम से। हाँ, अगर आपने स्किप किया होगा तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक फिर देखना आपको पड़ेगा। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है ये रिबूट, और उसके बाद ये होते ही दोस्तों आपको अपने रिमोट से 4 बार 0 दबाना है। 4 बार 0 दबाएंगे, ये आपका सेटअप बॉक्स ऑफ हो जाएगा, फिर ऑन होगा। उसके बाद से क्या करना है ये देख सकते हैं। अब इन चैनलों को हम कर देंगे यहाँ से डिलीट, ऑल चैनल हो जाएंगे यहाँ से डिलीट। उसके बाद से दोस्तों ये देखिए ऑटो स्कैन कुछ इस प्रकार से करना है। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान से देखिए, बहुत ऐसी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में बोला नहीं है क्योंकि वीडियो छोटी होने के कारण। और ये देख सकते हैं इसे यहाँ से हम कर देंगे स्कैन। ध्यान दोस्तों, ये इसमें से आपको कोई भी काम नहीं करना है, नहीं करना है जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम आपको बता दें, अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो आपको 100 से 200 रुपये तक का पेटीएम कैश बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, आपको मिल सकता है एक MPEG4 रिसीवर बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सारे चैनल कुछ इस प्रकार से आप
के आएंगे, आपको इसी प्रकार से स्कैन करना अपने सेटअप बॉक्स में। ध्यान रहे दोस्तों, जिस प्रकार से मैंने स्कैनिंग किया है उसी पर से आपको स्कैन करना है। अब दोस्तों फंडा क्या है, फंडा मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा कि आखिर में वो फंडा क्या है जिस फंडे के जरिए आपका ये चैनल चल पड़ेगा बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों उससे पहले आपको कुछ और चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड वैसे नहीं होता जैसे आप लोग समझते हो। सॉफ्टवेयर अपग्रेड बार बार कहा जाता है कि आप लोग अपने सेटअप बॉक्स में खुद उंगली ना करो, उंगली करने से पहले वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखो। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे पास आपके पास, आप कहने का मतलब ये है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, आपके पास इसमें का कोई भी कार्ड हो चलेगा, कोई भी कार्ड हो, एक्स वाई जेड कोई भी कार्ड हो, लेकिन हाँ MPEG2 का कोई भी कार्ड हो। आपके पास एक पेन ड्राइव होनी चाहिए, एक ऐसा केबल होना चाहिए जो कि अमेजोन वगैरह पे मिल जाता है, ये देख सकते हैं, जिसमें पेन ड्राइव लग जाए। और उसके बाद से दोस्तों इस पूरी चीज़ को, इस जो प्लेट है, वीडियो प्लेट है जो आपको दिख रहा है, वीडियो प्लेट उसमें लगाना होता है, और उसके बाद से पेन ड्राइव इसमें लगानी होती है। अच्छा, पेन ड्राइव लगाएंगे, पेन ड्राइव में सॉफ्टवेयर होगा, और उसके बाद से दोस्तों क्या करना है अब आप समझ ही चुके होंगे कि इसमें सॉफ्टवेयर आप करेंगे, सॉफ्टवेयर यहाँ पे लगाएंगे पेन ड्राइव, उसके बाद से हम अपने सेटअप बॉक्स को अपग्रेड कर देंगे, अपग्रेड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा सिस्टम है, और कुछ इसी प्रकार से ये चैनल्स फ्री में चल पड़ते हैं MPEG2 रिसीवर में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें बताएँ, साथ ही साथ दोस्तों आप हमें ये भी बताएँ कि क्या मुझे अगली वीडियो इसकी लानी चाहिए या नहीं लानी चाहिए, कि कैसे इस पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर अपग्रेड करें अपने MPEG2 रिसीवर में, कैसे फ्री चैनल्स देखें। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए मेहमान हैं चैनल को।